आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। करकट्टा खदान में हो रही अवैध उत्खनन पर प्रबंधन ने की कार्रवाई। सीसीएल केडीएच प्रबंधक के द्वारा करकट्टा के करकट्टा खदान में हो रही अवैध रूप से उत्खनन पर कार्रवाई करते हुए सभी तरफ के आने वाले रास्ते और मुंह को बंद किया। यह कार्रवाई प्रबंधन के द्वारा सीआईएसएफ एवं पुलिस जवानों के उपस्थित में किया गया है। इस कार्रवाई में केडीएच परियोजना पदाधिकारी मनोज कुमार, राजीव रंजन, जिला परिषद रति गंजू तथा सीएसएफ एवं पुलिस के जवान उपस्थित थे। प्रबंधन ने डोजर मशीन से बंद पड़े खदान में हो रहे उत्खनन के सभी रास्ते को बंद कर दिया गया है। पीओ ने बताया कि खदान में अवैध रूप से उत्खनन की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद सुरक्षा तथा दुर्घटना की आशंका को देखते हुए प्रबंधक ने की कार्रवाई। माध्यम से और पहले भी हम लोग यहाँ पे इलीगल माइनिंग के लिए लोग आते थे, यहाँ पे करते थे, तो बहुत बार बंद कर किया जा चुका है और सूचना पत्र भी लगाए हुए हैं कि ताकि उनसे ना जाए खतरा है। उसके बावजूद कुछ लोग आते थे, तो आज हम लोग डोजर लेकर आए थे ताकि हम लोग जो रास्ता है उसको बंद कर दें, जो आने अंदर जाने का रास्ता है बंद कर दें। डोजर लेकर आए हुए हैं और हमारे साथ पूरे गांव के हमारे आइए, अरे रतिया बाबू आइए, आप भी आइए, उधर प्रतिनिधि भी हमारे साथ आए हैं, आइए आए हैं। और लोकल थाना के हमारे प्रशासन भी सहयोग है लेकर आए हैं ताकि हम लोग इसको रास्ता जो इलीगल माइन घुस के जो करने का है उसको बंद कर दें। तो उसी क्रम में आए हुए आज इस काम कर रहे हैं। कहें तो थोड़ा डोजर मेरा थोड़ा तीर्था हो गया है, दूसरा डोजर आ रहा है, निकाल के फिर इस काम को हम लोग करेंगे ताकि कोई इसमें अंदर जाके इलीगल ढंग से माइनिंग ना कर पाए, तो काम हो सुरक्षा के दृष्टि को उनसे जान माल का खतरा ना हो, करके जाएंगे। धन्यवाद। दो साल पहले रेड्डी कंपनी के द्वारा जो है माइनिंग मान लीजिए कुछ दिन चला, उसके बाद बंद करके मान लीजिए चले गए। अब रह गया कि यहाँ जो खदान पड़ा हुआ है, जो मान लीजिए अनलीगल समझिए चाहे जो समझिए, तो लोग यहाँ गलत ढंग से लोग निकाल के जैसे बोरा के द्वारा बेचता है, उसी तरीके मान लीजिए वो लोग भी समझता है कि यहाँ पड़ा हुआ है कोयला, तो हम लोग कम से कम जीविका चला सकते, जीविका को भी बहुत यहाँ दिक्कत है। इस चलते लोग उन लोग सोचता है कि हम कम से कम हम लोग पेट चले, ताकि रोजगार की बहुत समस्या है, लेकिन उन लोग ना सोचता है कि हमको खतरा भी हो सकता है। तो हम लोग देखे बहुत गंभीर समस्या है, तो हम लोग आए कि भाई उसको माने रोका जाए, इसी प्रक्रिया हम लोग आए।